स्टूडेंट्स, आज जब मैं बताऊंगा तुम्हें एट क्लास में, क्लास हमारी एट क्लास है एट, उसमें मैं बता रहा हूं रेनबो कैसे बनता है। रेनबो, रेनबो क्या होता है? रेनबो कैसे होता है? रेनबो, रेनबो यानी कि इंद्रधनुष बोलते हैं इसको हिंदी में। इंद्रधनुष क्या बोलते हैं? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कैसे बनता है? देखो क्या होता है, हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है, जो प्रिज्म में मैंने बताया था। ये देखो, ये प्रिज्म है। क्या है ये? प्रिज्म ए बी सी। जब लाइट यहां से आई थी, ये कौन सी लाइट थी? व्हाइट लाइट थी। कैसी लाइट थी बेटा? व्हाइट लाइट थी। और ये व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट कहां से ली गई? ऐसे बैंड होगी ये व्हाइट लाइट। जब ये बैंड हुई ये व्हाइट लाइट, तो हमारे पास सेवन कलर आए थे। कितने कलर आए थे? सेवन कलर आए थे। जब हमने देखा कि ये सेवन कलर, नीचे से हमने स्टार्ट किए थे वी आई बी जी वाई ओ आर, तो ये ऐसे आए थे सेवन कलर। तो जब हमारे पास सेवन कलर आए, डिस्ट्रीब्यूट हुए सेवन कलर, तो यहां पर एक स्पेक्ट्रम हुआ। स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम में मतलब फैल गई किरणें जो हमारी, वो अलग अलग साइड में फैल गई। स्पेक्ट्रम हो गया यहां पर, यानी कि लाइट को फैलाया गया अदर अदर डायरेक्शन में प्रिज्म के द्वारा, और ये हमारे कलर मिल गया हमने। सेवन कलर की जो लाइट थी वो प्राप्त की। अब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास देखो कुछ बूंदे हैं पानी की, ये देखो ये पानी की कुछ बूंदे हैं, ड्रॉपलेट है ये। अब ये ड्रॉपलेट बड़े भी हो सकते हैं, छोटी भी हो सकती हैं। अब ये ड्रॉपलेट देखो बेटा, ये सारी ड्रॉपलेट हैं। तो ये ड्रॉपलेट जो ड्रॉप है, ये ड्रॉपलेट हैं, ड्रॉपलेट हैं, बूंद है ये, ठीक है? क्या है बेटा? बूंद। जब ये ड्रॉपलेट में क्या होता है कि अब बारिश हुई है, तो कुछ जो ड्रॉपलेट है वो एयर में प्रेजेंट होती है, यानी कि प्रेजेंट इन एयर, एयर में प्रेजेंट होती है कुछ ड्रॉपलेट। और जो एयर में प्रेजेंट होने के कारण, जैसे ही अब यहां से क्या हो जाता है, सूर्य एकदम से निकल आता है, और जब ये सन है, बारिश के तुरंत बाद निकलेगा, और इसकी जो लाइट है वो यहां पर आएगी। देखो यहां पर इस बूंद पे आई, टकराई, तो यहां पर जैसे इस बूंद से टकराएगी, तो यहां पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब, रिफ्रैक्शन तो हमने पढ़ लिया था, बट यहां पर रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्रैक्शन? कि जब एक लाइट है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो वो बैंड हो जाएगी, यानी कि चेंज इट्स पोजिशन। व्हेन लाइट गोज टू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि लाइट है जो, लाइट गोज टू वन मीडियम, वन मीडियम टू अदर मीडियम, अदर मीडियम इट्स चेंज इट्स स्पीड, इट्स स्पीड, इट चेंज इट्स स्पीड, इट चेंज इट्स स्पीड। तो वो अपनी स्पीड को चेंज कर लेती है, या तो वो ज्यादा टाइम लगाए या फिर वो कम टाइम लगाए। तो यहां पर भी रिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि यहां पर एयर प्रेजेंट है। तो यहां पर जैसे ये बूंद पे आई, तो इस बूंद ने क्या किया? इसने रिफ्लेक्ट कर दी। अब इस बूंद पे आई, इस बूंद ने भी क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। तो हमें यहां पर जैसे ही रिफ्लेक्शन होता है, तो हमें यहां पर उसी प्रकार का, जैसे हमने प्रिज्म में देखा था, तो उसी प्रकार का हमें ऐसे सेवन कलर का एक सर्कुलर रूप दिखाई देता है। यहां पर कुछ ऐसा कलर दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है? इसमें भी क्या होते हैं? सेवन कलर होते हैं। ये हल्के दिखाई देता है, ये एक सर्कल में होता है, ये एक सर्कल में होता है ऐसे, ये कंप्लीट सर्कल होता है। बट क्यों क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हम क्या है, हमारी डायरेक्शन जो है, हमारी पृथ्वी की जो डायरेक्शन है, हम जैसे खड़े हैं, तो हमें कहीं ना कहीं पृथ्वी मिलती हुई नजर आती है ऐसे। तो ये सर्कुलर तो हो जाएगा, बट क्या है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप एक काम करना, घर पे एक्सपेरिमेंट कर लेना, रिफ्लेक्शन की वजह से या स्पेक्ट्रम की वजह से ही दिखाई देता है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पाइप ले लो एक, और उसके ऐसे पानी को ऐसे फैला दो ऊपर की तरफ, और फिर उस साइड, अपोजिट साइड देखना। आपने कभी भी नहीं देखा होगा
कि हमारे पास जो सूर्य है यानी कि जो रेनबो है वो उत्तर दिशा में हो या फिर नॉर्थ में या ईस्ट और नॉर्थ में हो या फिर साउथ में हो, नॉर्थ साउथ में कभी नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि सूर्य का प्रकाश नॉर्थ की तरफ नहीं जाता, क्योंकि सूर्य या तो ईस्ट में है या फिर वेस्ट में है। वेस्ट से जब प्रकाश पड़ेगा बूंदों पर तो वो ईस्ट में दिखाई देगा, या फिर ईस्ट से जो प्रकाश पड़ेगा तो वो वेस्ट में दिखाई देगा। क्लियर है? पता लग गया होगा। इसका एक क्वेश्चन है, हाउ टू रेनबो, रेनबो तो ये लिख सकते हो, हेल्प बुक में भी है ये और मैंने समझा दिया इसको, आप लिख सकते हो। और बिल्कुल वही बातें हैं जो मैंने बताई हैं यहाँ पर, जो यानी कि एयर में क्या हो जाती है, प्रेजेंट इन एयर सम ड्रॉपलेट्स आर एंड कमिंग टू द लाइट इन द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स एक्सपेयर टू स्पेक्ट्रम एंड रिफ्लेक्ट ऑन सेवन कलर विब्योर। तो यहाँ पर भी विब्योर बनेगा बट हमें दिखाई थोड़ा सा कम कलर देते हैं, तो आप लिख सकते हो इसको। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, आई होप कि आप करके आओगे, अगर नहीं करो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, मैं लिखवा भी दूंगा। क्लियर?